अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त, मेरे भाई, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्त, मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको पता होगा कि जामिया मिलिया इस्लामिया का जो स्कूल का रिजल्ट है वो तो आ ही चुके हैं, कुछ रिमेनिंग में है, जो आने वाले हैं वो आएंगे। बहुत सारे ऐसे स्कूल के रिजल्ट्स हैं जो बाकी आने वाले हैं, उसका आप लोग वेट करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, घबराएंगे। बहुत सारा मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर कैसे जामिया मिलिया इस्लामिया का रिजल्ट चेक करते हैं, व्हाट्सएप भी आ रहे थे क्योंकि मैंने व्हाट्सएप कर रखा था, व्हाट्सएप नंबर दे रखा था, व्हाट्सएप का भी दे रखा था। तो मैं आपको बता दूं कि कैसे जामिया मिलिया इस्लामिया का रिजल्ट चेक करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं बता दूं कि बैचलर का जो डिग्री है, बैचलर कोर्सेस है, उसका भी रिजल्ट आ चुका है, डिप्लोमा का भी रिजल्ट आ चुका है। तो आप लोग कैसे डाउनलोड करेंगे ग्रेजुएशन का, जो भी हो, बैचलर डिग्री हो, कोई सा भी डिग्री हो, उसका मतलब आप कैसे चेक करेंगे, उसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देखिए कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए, इसको बताने के लिए मेरे को सबसे पहले आपको अपने सिस्टम पर ले चलना पड़ेगा, जिसे पीसी भी बोलते हैं और डेस्कटॉप भी बोलते हैं। तो चलिए, आप हम आपको अपने पीसी पर देखा जाइए। सबसे पहले देखिए पीसी का, आप अपने सिस्टम पे थोड़ा सा रिफ्रेश कर दे, जिससे आपका क्या होता है, सिस्टम थोड़ा फास्ट चलने लगता है, ठीक है। उसके बाद आप रिफ्रेश कर दे अपने सिस्टम को, जिससे फास्ट चलेगा। कोई भी ऑफिशियल ब्राउजर खोल दे, जैसे यहाँ पे ये क्रोम ब्राउजर खोल सकते हैं, या फायरफॉक्स खोल सकते हैं, मोज़िला फायरफॉक्स, या कोई सा भी ब्राउजर खोल सकते हैं, इसे भी खोल सकते हैं, या अपने मोबाइल फोन में भी आप खोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको पीसी में बता रहा हूँ। चलिए, आपने इसको इस पे क्लिक कर दिया और देखिए ये आपका ब्राउजर खुल रहा है। और देखिए आपका ये ब्राउजर खुल रहा है। थोड़ा सा वक्त लग रहा है, इसके लिए पेशेंस रख के और देखते रहें। और आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी अपना इजी तरीके से डायरेक्ट आप ऑफिशियल साइट के पे जा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे जामिया मिलिया इस्लामिया का आप अंडर ग्रेजुएट का जो भी रिजल्ट्स है कैसे चेक करेंगे। देखिए, आपका यहाँ पे जो पेज है खुल गया, ऑलरेडी यहाँ पे मेरा खुला हुआ था एक टैब, उसको उसने रिफ्रेश कर रहा है। जैसे मेरा ये ईमेल आईडी है, आप देख सकते हैं। अब देखिए, आप एक नया टैब खोलिए, जो ऑलरेडी मैं यहाँ पे वेलकम टू जामिया इस्लामिया खोल चुका हूँ, पहले यूज कर चुका हूँ, लेकिन आपको नए टैब से बता रहा हूँ। नए टैब खोल लीजिए और यहाँ पे आप सिर्फ अपने नए टैब में जी लिखकर ओके कर दीजिए, इंटर कर दीजिए, यानी आपका गूगल खुल जाएगा, जो गूगल का पेज होगा, होम पेज, वो खुल जाएगा। गूगल का जो होम पेज होगा वो खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लिखिए, देखिए यहाँ पे मैंने सर्च किया था gmi.ac.in, यहाँ पर शो कर रहा है, तो आप यहाँ पे क्लिक करें इस पे और इस पेज को खोल लें। उसके बाद यहाँ पे वेलकम टू जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसको आप खोल लें, इस पे क्लिक करें। आपको आप अगर सिस्टम पे यूज करना है तो आपको लेफ्ट क्लिक करते रहना है, नहीं तो आपको अपने आप पीसी में भी चेक कर सकते हैं, लैपटॉप में भी चेक कर सकते हैं, और आपको मैं बता दूं कि अपने मोबाइल फोन में चेक करते हैं। उसके बाद ऐसा आपका फाइल खुल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे वेट करना है, यहाँ पे ये जो होगा सिस्टम है ना, यहाँ पे जो आपको नोटिफिकेशन दिखाया जा रहा है यहाँ पे चेंज होता रहेगा। आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है, यहाँ पे आपको वेट करना है, आपको यहाँ पे वेट करते रहना है कि यहाँ पे देखिए कैसे हो रहा है, कि यहाँ पे खुद बदलेगा। देखिए, अभी थोड़ा सा आपको यही प्रॉब्लम हो जाती है कि आप कैसे चेक करेंगे, क्योंकि आपको तो पता नहीं है कि यहाँ से चेक होता है और यहाँ पे चेंजिंग होता है। तो अभी तो ये कंटिन्यू दिखा रहा है, कभी कभी फास्ट चेंज होता है, कभी कभी जल्द चेंज होता है, कभी कभी वेट भी करना पड़ जाता है। तो देखिए, अब यहाँ पे चेंज हो गया। अब यहाँ पे आपको देखना है क्लिक हेयर टू चेक जामिया रिजल्ट, उसके लिए आपको यहाँ पे वेट करना है। अब इसको भी चेंज करने का वेट करना, आप देखिए वेट करते रहिए जब तक वो नहीं आता है, आप थोड़ा वेट करते रहे आराम से। अब देखिए यहाँ पे आए क्लिक हेयर टू चेक जामिया रिजल्ट 2018 और 2019, इस पे क्लिक कर देना। जब आप क्लिक कर दीजिएगा, ऐसे आपको पेज खुलेगा, इस पेज का देखिए, यहाँ ऐसा पेज खुलेगा, आपको ऐसे पेज खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट पे क्लिक करना है और सेशन आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप कोई सा भी चेक कर सकते हैं, जैसे बैचलर का यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट का, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी वगैरह, और यहाँ पे डिप्लोमा, बहुत सारे क्वेश्चन मास्टर वगैरह, लेकिन अंडर ग्रेजुएट के बेसिस पे बता रहा हूँ। यहाँ पे डिप्लोमा का चेक कर सकते हैं और यहाँ पे स्कूल का,
तो स्कूल का एक बताते हैं, स्कूल का सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे कोर्स से अगर मान लीजिए आर्ट्स करना है तो आर्ट्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे सर्च कर दीजिए, और ये जो रिजल्ट आएगा आप इसको यहाँ पे क्लिक करें, किसी भी पे क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड होने लगेगा। जब ये डाउनलोड होने लगेगा तो उसके बाद डाउनलोड के बाद आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं अपने पीडीएफ फाइल, इसको ओके कर दीजिए। आपने ओके कर दिया और ये सारे लिस्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट का आ गया, एडमिशन डेट भी आ गया, रिक्वायरमेंट भी आ गया। अब जैसे मान लीजिए आप चेक करना चाहते हैं कि कैसे आपका हुआ या ना हुआ, इतना अगर लंबा सर्च हो तो यहाँ पे इसको पहले डाउनलोड करना होगा। तो डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करिएगा, जैसे हमारा डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पे क्लिक करिएगा तो यहाँ से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। देखिए ऐसे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो ऑलरेडी मैं डाउनलोड कर चुका हूँ तो मैं इसको नहीं डाउनलोड करता हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे होगा। ये मेरा फाइल यहाँ पे सेव है तो मैं आपको यहाँ से दिखा दे रहा हूँ कि जैसे मैंने 11 आर्ट्स का फर्स्ट जो था मैंने उसको डाउनलोड किया था, ये वाला डाउनलोड किया था। तो मैं इसको आपको दिखा दे रहा हूँ, ये ऐसे था। मान लीजिए सर्च करना है तो साहिल खान किसी कंडेर के नाम है, का हुआ लड़का है जो साहिल खान नाम है, उसका डायरेक्ट चेक कर दिया और ऐसा उसका डायरेक्ट आ जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं कोई भी नाम, अगर मान लीजिए यहाँ पे डालना है फैसल खान, मैंने ऐसे कोई नाम डाल दिया, अगर उसका नहीं आएगा तो ऐसे लिख देगा कि रिजल्ट नॉट फाउंडेड। चलिए बैक टू द बिजनेस, मैं वहाँ पे पॉइंट पे चलता हूँ और उस पे ले चलता हूँ आपको, जहाँ पे मेरे को फिर इस टैब पे आइए जहाँ पे ऑलरेडी किए थे। यहाँ पे अब यहाँ पे स्कूल का तो हो गया, अब आपको अंडर ग्रेजुएट के चेक करना है तो बैचलर पे क्लिक कीजिए, फिर यहाँ से सिलेक्ट कर और कोई सा भी कोर्स, मान लीजिए इकोनॉमिक्स पे देखिए आया हुआ कि नहीं, इकोनॉमिक्स का रिजल्ट नहीं आया हुआ है। इंग्लिश का देखिए, इंग्लिश का आ चुका है, रैंक वाइज आ चुका है। उसके बाद मान लीजिए सोशोलॉजी का देखिए, सोशोलॉजी का भी आ चुका है। तो यहाँ पे जो सोशोलॉजी का है तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज रैंक लिस्ट आया हुआ है, और ये कोड़ी जेंडम इन द डेट ऑफ रिजल्ट पब्लिकेशन, मैंने ये डेट दिया होगा कि कब रिजल्ट आएगा या क्या उसका सिस्टम है, जो भी नोटिफिकेशन हुआ है यहाँ पे आएगा। और इसको मैंने डाउनलोड करके देखा है, यहाँ पे 507 पेज है, 509 पेज है। तो वहाँ से मैं चेक किया हूँ तो उसमें थोड़ा सा डाउनलोड कर रखा है, इसमें देखिए 618 पेज है, 618 पेज है। और यहाँ पे जो भी बच्चे हैं कैंडिडेट हैं उनका जो भी सिस्टम हो सब कुछ दिया हुआ है कि किसका कितना नंबर है, क्या प्रिफ्रेंस है, सब कुछ इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए लिख रहा है कि द डेट ऑफ द रिजल्ट पब्लिकेशन ऑफ द वेबसाइट वाज इन एडवांटेनली प्रिंटेड एज 22/6/2000 इन प्लेस ऑफ 26/6/2000। निकाल के 22 तारीख में रिजल्ट का डेट प्रिंटेड हुआ था लेकिन 26 को इसको निकाला गया था, ठीक है, यानी आज के दिन निकाला गया। इसी तरह आप कोई सा भी जो भी रिजल्ट चाहें चेक करने के कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करना, मान लीजिए डिप्लोमा करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिप्लोमा सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप डिप्लोमा इन रेगुलर में कर लीजिए और यहाँ पे भी क्लिक कर लीजिए। फिर देखिए डिप्लोमा भी आया हुआ है लेकिन फॉरेन नेशनल कैटेगरी आया हुआ और NRI आया हुआ, यानी आप जो इंडियन बच्चे हैं, इंडियन कैंडिडेट है, उनका नहीं आया हुआ है। तो वेट करें, आज ही डलेगा इंशाल्लाह, उनका भी आज डल जाएगा। सर्टिफिकेट वाला चाहते हैं तो सर्टिफिकेट का कर लीजिए, जिस कोर्स का करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं, सबका रिजल्ट आ चुका है। और यहाँ पे बैचलर कर लीजिए, और फिर मान लीजिए LLB का आप चेक करना चाहते हैं, BLLB, जैसे मान लीजिए मैं BLLB के ये चेक करना चाह रहा हूँ, इसका भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया हुआ। अब मान लीजिए आप ये, मैं ये चेक करना चाहता हूँ बायोटेक का, तो इस पर भी क्लिक कर दिया, इसका भी नहीं आया हुआ है। और HM का मतलब जो भी चाहे तो आप वो चेक कर सकते हैं। और ये पॉलिटिकल साइंस का आ चुका है तो आप पॉलिटिकल, ये BSc का भी आ चुका है रिजल्ट, कैटेगरी वाइज रैंक आ चुका है, और BBA का नहीं हुआ है और पॉलिटिकल साइंस का आ चुका है। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद चेक करने के बाद आप जा सकते हैं। मान लीजिए कि अगर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालता हूँ तो आप डिस्क्रिप्शन में पहले जाइएगा तो आपका जैसे लिंक मैं डालूंगा तो आप जो लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका ऐसे पेज खुलेगा तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ऑलरेडी मैं चेक कर चुका हूँ इसीलिए हाईलाइटेड दिखा रहा है, उसका डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद जैसे बताया सिलेक्ट कीजिए, बैचलर कर लीजिए और यहाँ पे आकर अपने कोर्स डाल लीजिए, सोशोलॉजी वगैरह जो भी आपको डालना है, और इस तरह आ जाएगा। और आपको एक और बात बता दूं कि जो भी लिस्ट है चेक करना है कर सकते हैं इसके कैंडिडेट के वाइज। और आप चलिए, जो भी मैंने बताना था आपको मैं बता दिया, और
आप अपने जो भी आपको प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं, मैं उसका सोल्यूशन निकाल कर आपको बताऊंगा। और जामिया से अपडेट रहने के लिए प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जामिया की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे सबसे पहले। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर हैविंग मी।